तुम खुद भी डरपोक हो और इनको भी अपने रास्ते बना दो। मेरे ख्याल से ना ठीक कह रही है, हमें हार नहीं माननी चाहिए, बुजदिली होगी। मैं बताती हूँ हम क्या करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, उनके खिलाफ FIR कटवाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, कुछ नहीं होगा नाजिया पे जोर डाल देंगे, अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ केस कर देंगे। देखिएगा ऐसे रोड पे आ जाएंगे ये लोग, है ना? तुम मेरी बहन के बारे में बात कर, मुनेजा आपकी बहन ने तो आपका ख्याल किया नहीं, तो आप क्यों इतना ख्याल कर रही है? सब छोड़ो, बस दुआ करो इन सब चीजों की नौबत ही ना आए और वो आराम से मान जाए। मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। आपकी बहन एहसान से बात भी कर लेना तो बड़ी बात है। आज मैं उनेजा से मिली थी। क्यों? उसने मुझे बुलाया था। और तुम चली गई मेरी इजाजत के बगैर? इतना भी ख्याल नहीं किया कि उसने मेरी कितनी बेइज्जती की है? क्या कह रही थी वो? वो पेपर्स के बारे में बात करना चाह रही थी जिस पर आपने उसके साइन लिए थे। मैंने साइन करवाए नहीं, उसने खुद अपनी मर्जी से साइन किए हैं। एहसान उसे पता नहीं था वो किन पेपर्स पे साइन कर रही है। क्यों, अंधी है क्या, या फिर उसे पढ़ना नहीं आता? वो नहीं जानती तो उसका मसला है, मेरा नहीं। एहसान, बेवा और यतीम की जायदाद पर कब्जा जमाना बहुत गुनाह है, अल्लाह के अजाब से डरें। बकवास बंद करो, बड़ी आई मौलानी बनने। शराफत से अगर वो यहाँ घर पर रहती ना तो मैं उसका बिजनेस भी देखता और उसका भी ख्याल रखता, पर नहीं, उसे तो आशिकी माशिकी का शौक चढ़ा हुआ था ना। अब जाए भाड़ में, मुझे ऐसे लोगों में दिलचस्पी नहीं है। ऐसे नहीं करें एहसान, अगर बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई तो बहुत बदनामी होगी। उसने तुम्हें धमकी दी है? धमकी नहीं दे रही थी, वो कोर्ट नहीं जाना चाह रही। गान इधर से पकड़ो या उधर से, बात तो एक ही होती है ना। उसने तुम्हें धमकी दी और तुम बेवकूफों की तरह धमकी सुनकर पैगाम मेरे पास ले आई। अरे तुम जैसा अहमक इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। क्यों नहीं समझती कि मैं जो भी कर रहा हूं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए तो कर रहा हूं? मत कीजिए हराम की कमाई, ना मेरा भला होगा ना आपके बेटे का। प्लीज मुझे पेपर्स दे दे, मैं उसे वापस कर दूं। ना ना ना, वो कोर्ट जाना चाहती है ना तो शौक से जाए, अरे मैं भी तो देखूं वो क्या करती है। एक दफा बात कोर्ट में चली गई तो आप उसके बिजनेस से पैसे नहीं निकलवा सकेंगे। वैसे भी हमने इस केस को हारना ही है और नुकसान अलग, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा।